चुगंदो भाजी 2 घंटे हो गए, तुम्हारी बहू चाय नहीं लाई अभी तक। तुम कुछ कहती नहीं हो अपनी बहू से। इतनी देर मेरी वाली लगाती ना, चुटिया पकड़ के मसल देती उसकी मैं। अय्या है बुढ़िया, पकड़ के चुटिया मसल लेगी, हलक में हाथ डाल के घुस जाऊंगी तेरे हलक में, फेफड़े फेफड़े सब फाड़ दूंगी। क्या चला रही है बुढ़िया, भी वही आ रही हूँ। लाल 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 लाल, अरे हाँ, क्या कह रही है बुढ़िया, क्या कह रही है? तुम सुनाएगी मेरे को, हम बहुएं सब कुछ लाए और हम ही सुने हैं। क्या सब कुछ लाती हो तुम? अरे क्या नहीं लाते, सब कुछ तो हम बहुओं का है। जब तुम्हारे लड़कों से रिश्ता पक्का होता है तो 5051 रुपए एक सोने की अंगूठी और एक जोड़ा मंगनी में मिलता नहीं मिलता। और जब शादी होती है तो दुनिया जमाने का दहेज, लंगर, कपड़े, लत्ते, सोना चांदी, गाड़ी, एसी, फर्नीचर कौन लाता है? हम देते हैं। और शादी के बाद जब बच्चा होता है तो उसके कपड़े, खिलौने, उसका दुनिया जमाने का सामान किसके यहाँ से आता है? हमारे घर से आता है। और शादी के बाद त्योहार, ईद, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, कोई खाली जाता है? पूरे ससुराल के लिए कपड़े लत्ते सब कुछ आता है। और जब भी हम शादी के बाद ससुराल जाते हैं, कभी खाली हाथ वापस नहीं आते, आटा, चीनी, दाल, बेसन, ये वो सब लेकर आते हैं। और अगर तुम्हारे लड़कों पे कोई बुरा वक्त आ जाए, सब उससे मुंह फेर ले, कर्जदार हो जाए, तो हमारे ही तो घर वाले देते हैं भाई 50,000 रुपए। भैया चला रही है, पता नहीं हम बहुओं को क्या समझ रखा है। समझ क्या रखा, तुम बहुआ होती इसलिए दहेज का सामान लाने के लिए। दहेज का सामान लाने के लिए तुम्हारे बाप के लोग हम पूरी दुनिया में। तुम किसी को भी सामान दो 50,000 रुपए का, उसकी इज्जत होती है। ये ससुराल दुनिया की अजीब चीज है, जहाँ बहुएं 20 लाख रुपए का सामान लेके आती हैं, फिर उनकी ऐसी तैसी हो रही है, फिर उनकी बेइज्जती हो रही है। 10 लाख रुपए का सामान ला रही है, फिर नौकरानी भी बनी हुई है। बुढ़िया तेरी बहुएं होंगी सीधी साधी, इन छिलट्टियों की तरह सीधी सीधी सी है ना ये, ऐसी होंगी तेरी बहुएं। मेरा केस पूछ, 17 टाके हैं यहाँ पर, बेलन मारा था 17 टाके, 3 दिन ऐसी मेरे घर आई थी। हाँ कर रही है, सब कुछ लाए हम बहुए, सब कुछ करे हम, और इसके बाद सुनाती क्यों नहीं हो, ये क्यों नहीं करती हूँ, समझ में आ रही है बात। दफे हो जाए यहाँ से बुढ़िया, 1 मिनट में दफे हो जाइए यहाँ से, चाय बना कर लाऊंगी सासू मां, सिर्फ तुम्हारे नहीं। इससे बोल दे दफा हो जाए, वरना इसके हलक में हाथ डाल के अंदर घुस जाऊंगी इसके हलक में, बता रही हूँ। चुगल्लो भाजी, तुम्हारी बहू की जबान तो कैंची की तरह चलती है, बहुत तेज है तुम्हारी बहू। और बोल ले फजीता, क्या क्या बहन, हम तो बोलते ही नहीं है, क्या क्या जरा सा बोल लो पूरा घर सर पे उठा लेगी, चिल्ला चिल्ला के घर पे उठा लेगी। बहन तू निकल जा यहाँ से, कभी बेलन आए उड़ते उड़ते तेरे सर पर फट जाएगा, मेरे तो 17 टाके आए हुए, देख निकल ले जल्दी।